आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चावल की खीर की रेसिपी, जो कि सावन के व्रत में खास तौर पर बनाई जाती है। तो आइए बनाते हैं। चावल की खीर बनाने के लिए 3/4 कप चावल लेंगे और चावलों को हम अच्छे से धो लेंगे पानी डालकर दो बार। अब हम एक कुकर लेंगे और उसमें डालेंगे 2 कप पानी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने चावल अच्छे से धोए हैं उनको इसमें डाल देंगे। और मैं कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी खीर बहुत कम टाइम में और एकदम टेस्टी और स्वादिष्ट। तो ये मैंने चावल डाल दिए। अब हम लिड लगाएंगे, ढक्कन बंद करेंगे और 2 सीटी ले लेंगे और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। अब हम दूध उबालेंगे। तो ये मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध। इसको गर्म कर लेंगे हम अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है दूध को उबाल आने तक। तो ये हमारा दूध अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम साइड में रख देंगे दूध को और ढक्कन खोल लेंगे कुकर का। तो देखिए इस तरीके से हमें चावलों को पकाना है जिससे हमारी खीर बहुत जल्दी बनकर तैयार होगी, एकदम पक जाने चाहिए। तो इसमें झटपट तरीके से बनकर तैयार हो जाती है खीर, इसलिए मैंने इसमें उबाले चावल। अब हमने जो दूध उबाला है उसको इस कुकर में डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इस टाइम गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए हमें इसे पकाना है खीर को। देखिए इस तरीके से बीच बीच में चलाते रहना है। और अब हम एक कटोरी लेंगे, उसमें थोड़ा सा दूध ले लेंगे, दूध निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे केसर के धागे। यदि आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो जरूरी नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। अब हम डालेंगे नारियल के पीसेज, नारियल के चंक्स। इनको डालते हैं तो खीर बहुत टेस्टी लगती है और इनको पहले इसलिए डालते हैं जिससे ये अच्छे से पक जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिशों को मैंने अच्छे से धो लिया है और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हो। अब हम डालेंगे इसमें बादाम क्रश की हुई और फिर डालेंगे हम इसमें काजू। तो ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो अवेलेबल हो वो डाल सकते हो, तब भी हमारी खीर बेहद ही टेस्टी लगती है। तो देखिए अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे, बिल्कुल अच्छे से पकाना है। तो ये हमारी खीर लगभग बन चुकी है। तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे 3/4 कप या टेस्ट के अनुसार। तो थोड़ी सी चीनी मैंने बचा ली, यदि जरूरत लगी तो फिर डाल दूंगी। और अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस का फ्लेम कम रखेंगे इस टाइम चीनी डालने के बाद, और इसको इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे चीनी पिघल जाए। अब हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर 1.5 चम्मच, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम जो सैफ्रॉन मिल्क है उसको डाल देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी चावल की खीर बनकर तैयार है, एकदम टेस्टी और स्वादिष्ट। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। धन्यवाद।